अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द रीजन आई एम हियर नाउ इज बहुत सिंपल है कि आपने देखा भी होगा मज़ार पे पीएमएलएन गई है कायदे आज़म के मज़ार पे मरियम नवाज, और बीच में जो मैं मुंह से कुछ बुरी बात नहीं कहना चाहता वरना जो मेरे दिल में है अगर वो मैं बोल पढ़ूँ तो शायद मेरा अकाउंट बंद हो जाए, और उन्होंने मज़ार पे कब्र पे खड़े होके जो नारेबाजियां हुल्लड़बाजी की है ये तो इसका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, इसका ताल्लुक तो आपकी तहजीब से है। अपने माँ बाप की कब्रों पर जाके अगर वो यही काम करते हैं तो ये कुफार से बदतर हैं कि कब्रों पर जाके फातिहा पढ़ा जाता है ना कि शोर और नारेबाजी, और वो जो सफदर साहब बीच में उतर के बैंड मास्टरों की तरह हाथ हिला रहे हैं मजार के कब्र के चारों तरफ फिर रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वहां होता, मैं अल एलानिया कह रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सामने आएंगे मैं उनके मुंह पे एक थप्पड़ रसीद करूंगा कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज द फादर ऑफ आर नेशन, वो हमारा बाप है। अरे तुम्हें अपने बाप की परवाह नहीं है, तुमने अपने बाप को उधर फेंका हुआ है, तुम उसके बेटे जो है नवाज शरीफ वहां भागे हुए हैं चोर के, तो हमारी मेरे कायदे आजम के, मेरे पाकिस्तान के कायदे आजम के, मेरे बाप के, माय फादर ऑफ द नेशन, उसकी इज्जत करो। और मैं स्ट्रिक्टली, मैं बहुत स्ट्रांगली, मेरी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मेरी अपील है आर्मी चीफ से, मेरी अपील है इमरान खान से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त आप एक्शन लें और आप इनको कॉल करें, इन पे आप सीजन का लगाएं, इन पे बदतहजीबी का, मुझे नहीं पता कौन सी चिट लगाते हैं, लेकिन इनकी तजलील करें, और ये इस काबिल नहीं है इनका नाम लिया जाए। ये अपने बापों के साथ करें, ये मेरे कायदे आजम के साथ, मेरी कौम के, पाकिस्तान के बाप के साथ ये नहीं करें। आई टेक स्ट्रांग ऑफेंस टू दैट, और मैं मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरे साथ होंगे और आप इसमें आवाज शामिल करें और मेरी वीडियो को जगह जगह आप फैला दें। प्लीज, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद, और कायदे आजम के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मनों पर लानते हों बेशुमार।